फिल्मी स्पाइडर के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सर्वाइवल मूवीज के ऊपर टॉप 10 के लिस्ट बनाए थे, जिसे आपने बहुत पसंद किए थे। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं सर्वाइवल मूवीज के सेकंड पार्ट को, जहां हम दुनिया की बहुत ही जबरदस्त टॉप 10 बेस्ट सर्वाइवल मूवीज के बारे में बात करेंगे, जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में डब डेस्ट होगा। इस वीडियो में लाइक कमेंट कर देना एंड ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज का हमारी इस काउंटडाउन में नंबर 10 पर आती है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। मूवी आई थी 2023 में। एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल मूवी है, जहाँ कहानी दिखाई गई है एक मिस्टीरियस फोर्स की, जिसके वजह से दुनिया की आबादी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। उस मिस्टीरियस फोर्स को जो भी ऑब्जर्व कर लेता है वह खुद की जान ले लेता है। मूवी के अंदर सेबास्टियन और उसकी यंग डॉटर एना इस खतरनाक सिचुएशन में खुद को जिंदा रखने के लिए बार्सिलोना की डिजोलर स्ट्रीट से अपना जर्नी शुरू करते हैं। आंखों में पट्टी बांध कर कब तक वो खुद को बचाने में कामयाब रहेंगे, ये मूवी के अंदर देखना है। 5.3 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। हमें निकलना होगा। तो आज का हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 9 पर आती है बैक कंट्री। मूवी आई थी 2014 में। एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है कपल एलेक्स और जेन से, जो एक कैंपिंग के लिए अपना शहर को छोड़ चुके होते हैं और एक घने जंगल की ओर अपना यात्रा शुरू करते हैं। जो वे जंगल में पहुंच जाते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है वो अपना फोन लाना भूल चुके हैं और अब वे खो चुके हैं, क्योंकि बिना मैप के वे उस घने जंगल में ट्रैप्ड हो चुके हैं। लेकिन इससे बड़ी खतरा अब उनके सामने है, जब एक आदमकुर बालू उनको मारने के लिए उनका पीछा करता है और उनका ट्रिप फाइट फॉर सर्वाइवल में बदल जाती है। आगे की कहानी मूवी के अंदर देख सकते हैं। 6 out of 10 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। तो आज के इस काउंटडाउन में नंबर 8 पर आती है द 33। ये एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल मूवी है, जो 2015 में आई थी। मूवी के अंदर सांस रोक देने वाली सर्वाइवल देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है खानों में काम करने वाले 33 वर्कर से, जो पत्थर के नीचे फंस जाते हैं, जहाँ से निकलना इम्पोसिबल है। समय बीतता जाता है और वह भूख प्यास से लड़ रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड एक रेस्क्यू मिशन टीम उन्हें वहां से निकलने के लिए टायरलेसली काम कर रहा है। लास्ट तक क्या होता है, क्या वो जिंदा बचने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, जानने के लिए मूवी जरूर देखें। 6.9 की रेटिंग इस मूवी के IMDb पर। नंबर 7 पर आती है फ्रोजन। मूवी आई थी 2010 में। एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है स्नोबोर्डर्स का एक ग्रुप से, जो माउंट हेलिस्टोन में स्नोबोर्ड करने के लिए जाता है और वहाँ पर वह एक चेयर लिफ्ट राइडिंग करने के लिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पैसा देकर मना लेते हैं। लेकिन रात के टाइम अचानक बिजली पूरी तरह से काट हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ ऑफ करके चला जाता है और अब 3 महीने तक यह हिल स्टेशन नहीं खुलेगा और वह सब आधे रास्ते 100 फीट ऊपर चेयर लिफ्ट में फंस जाते हैं। ठंडे मौसम, भूख प्यास और नीचे आदमखोर उल्व्स, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में वह कब तक खुद को जिंदा रख पाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। 6.2 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। तो आज के इस काउंटडाउन में नंबर 6 पर आती है फॉल। 2022 में आई एक सांस रोक देने वाली सर्वाइवल मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है बेकी और हंटर दो बेस्ट फ्रेंड से। वह दोनों अपने डर पर जीत हासिल करने के लिए 2000 फीट की एक रेडियो टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं, जो एक रिमोट माउंटेन टॉप पर है और एक एबंडन टावर है जहाँ कोई भी नहीं आता। वह टावर चढ़ना शुरू करते हैं और जितना ऊपर जाते हैं उतना मुश्किलें बढ़ती जाती है। लेकिन जब वह पूरी तरह से ऊपर टॉप पर चढ़ जाते हैं तो नीचे की सीढ़ी टूट जाती है और वह 2000 फीट ऊपर पूरी तरह से फंस जाते हैं, जहाँ से नीचे उतरना इम्पॉसिबल है। ऑफ सप्लाईज, हेलुसिनेशन और बालचर के हमलों से जूझते हुए वह कब तक खुद को जिंदा रख पाएंगे, ये मूवी के अंदर देखना है। 6.4 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। नंबर 5 पर आती है रिवेंज। मूवी आई थी 2017 में। एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है जेन से। वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक गेटअवे पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के दो घटिया दोस्त आ जाते हैं एक हंटिंग ट्रिप पर। उनके आने से घर का माहौल भयानक रूप से बदल जाता है, जिसकी परिणति एक चौंकाने वाले घटना में बदल जाती है। उन्होंने जेन को ब्रूटली मारकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। लकीली वो किसी तरह से बच जाती है और रेगिस्तान में खुद को बचाने और अपने हमलावरों से खूनी बदला लेने के लिए उन्हें खोजना शुरू कर देती है। आखिर तक क्या होता है, जानने के लिए भी जरूर देखें। 6.4 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर आती है अगेंस्ट द सन। मूवी आई थी 2014 में। यह द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे दुखद सच्ची कहानियों में से एक है, जहाँ 3 अमरीकी नौसेना के एयरमैन अपने टॉर्पीडो बॉम्बर को साउथ पैसिफिक ओशियन में दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं और खुले समुद्रों में एक छोटी सी लाइफ बोट में खुद को किसी तरह से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। बिना खाना, बिना पानी और बचाव का कोई उम्मीद नहीं, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में वह तीनों तूफान, शार्क, भूखमरी से लड़ते हुए कब तक जिंदा रह पाएंगे, ये जानने के लिए आप मूवी जरूर देखें। 6.5 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। नंबर 3 पर आती है नो एग्जिट। मूवी आई थी 2022 में। एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपनी माँ से मिलने के बाद घर जाते समय बर्फीले तूफान के दौरान एक पहाड़ी रेस्टो पर लोगों के एक ग्रुप के साथ फंस जाती है। लेकिन हालत तब और बदतर हो जाती है जब एक औरत वहाँ मौजूद लोगों में से एक की कार में एक किडनैप बच्चे को देखती है, जिससे ग्रुप को भयानक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में डाल दिया जाता है। एंड वे यह पता लगाने की कोशिश करते हुए भागने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनमें से किडनैपर कौन है। आगे की स्टोरी मूवी के अंदर देख सकते हैं।
6.1 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। तो आज का हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है 127 आवर्स। 2010 में आई ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक सर्वाइवल एडवेंचर मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक माउंटेन क्लाइंबर एरोन की, जो उठा के एक माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते वक्त बीच में फंस जाता है जब एक चट्टान उसकी बाह पर गिरती है। अगले 5 दिनों तक वह फंसे रहने के बाद उसे पता चलता है वहां से निकलने के लिए उसे अपना हाथ काटना होगा। बिना खाना पानी, डर, हेलुसिनेशन और पल पल मौत की ओर बढ़ता जिंदगी, ऐसी खौफनाक परिस्थितियों में एरोन आखिर क्या करता है सर्वाइव करने के लिए, यह देखना बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है। 7.5 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। फाइनली आज का हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है द वे बैक। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल ड्रामा एडवेंचर मूवी है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। कहानी सेट होती है 1940 में, जहाँ एक रशियन कम्युनिस्ट को साइबेरिया गुलाग में 20 साल का सजा दी जाती है और वहाँ पर कैद करके रखा जाता है। लेकिन उसे अपना आज़ादी चाहिए, इसलिए वह वहाँ पर कैद कुछ और लोगों को अपना साथी बना लेता है और वह सब खुद को आज़ादी देने की उम्मीद में उस जेल से भाग जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, उन्हें 4000 मील की तवील रास्ता तय करना पड़ेगा खुद को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। बिना खाना पानी, मच्छर, ना खत्म होने वाली डिजर्ट, जंगल और हिमालय की पहाड़ तय करके उन्हें भारत में घुसना होगा। अब ऐसी डरावनी सिचुएशन में उनमें से कितने लोग खुद को आजाद कर पाएंगे, जानने के लिए यह मूवी आपको पूरी तरह से मेरी तरफ से रिकमेंड है। मास्ट वॉच 7.3/10 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। सो गाइस, यह था आज का हमारा टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज के लिस्ट। होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली और भी ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।